अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया खान है और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ अमानत.com की। और आज जो प्रोजेक्ट मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है ज़ेम आर्क। और इससे पहले कि मैं ज़ेम आर्क के इंट्रोडक्शन और उसकी डिटेल्स में मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ज़ेम आर्क के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ज़ेम आर्क बेसिकली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और यहाँ पर हाई एंड शॉप्स लोकेटेड होंगी, कैफेटेरियाज, किड्स प्ले एरिया, फूड कोर्ट, पेंट हाउस और उसके अलावा अपार्टमेंट्स भी यहाँ पर लोकेटेड हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन्फिलिटी पूल भी लॉन्च कर रहे हैं और इसकी जो शेप है ज़ेम आर्क की बेसिकली वो एक सेलिंग शिप जैसी दिखेगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है ये प्रोजेक्ट और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसकी डिटेल्स मैं आगे फर्दर आप लोगों को ज़रूर दूँगी। और अब ज़ेम आर्क के फ्लोर प्लान के बारे में बात करते हैं। ज़ेम आर्क बेसिकली ग्राउंड पर 13 फ्लोर्स पर बेस्ड है और इसकी जो पर फ्लोर के हिसाब से जो यहाँ पर शॉप्स, कैफेटेरियाज और फूड कोर्ट्स वगैरह डिवाइडेड है उसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसका जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर इनकी शॉप्स और लोकेटेड हैं और लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर पर भी इनके कैफेटेरियाज भी लोकेटेड हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो सेकेंड और थर्ड फ्लोर है वहाँ पर किड्स एरिया और फूड कोर्ट मौजूद है और जो इनका फोर्थ फ्लोर है वो कम्प्लीटली होटल सर्विसेज के लिए रिजर्व्ड है। और जो इनके सर्विस अपार्टमेंट्स हैं वो लोकेटेड हैं 5 से लेकर 8 फ्लोर तक और जो इनके पेंट हाउसेस है वो होंगे 9 से 10 फ्लोर। तो ये बेसिकली एक कम्प्लीटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी ओवर देयर। और अब बात करते हैं उन फैसिलिटीज़ के बारे में जो ज़ेम आर्क प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा बंदोबस्त होगा, यहाँ पर 24/7 सिक्योरिटी सर्विलेंस मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर स्पा होगा, जिम होगा, जकूजी होगा, इन्फिनिटी पूल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर किड्स प्ले एरिया मौजूद है, यहाँ पर फूड कोर्ट्स मौजूद हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका फायरिंग सिस्टम मौजूद है यहाँ पर। इनके जो फ्लोर्स हैं वो सारे इम्पोर्टेड फ्लोर्स होंगे और ये इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स के लिहाज से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। और इसी तरह के जो इनके इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया गया है वो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। और अब ज़ेम आर्क के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज़ेम आर्क बहरिया टाउन फेज़ 8 में लोकेटेड है और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बैक पर मौजूद है और ये एक बेहतरीन लोकेशन पे मौजूद है बहरिया टाउन में, क्योंकि जितने भी जो मेन रोड्स हैं वो उसके साथ कनेक्टेड है, इजीली एक्सेसिबल है हर जगह से और जितने भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं वो यहाँ से बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में जो ज़ेम आर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एनुअली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो है 12% और पर मंथ के हिसाब से इट इज़ 1%। और मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाऊँगी कि किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो पर मंथ के हिसाब से उसको आपका अगर आप करें तो आपको 1 लाख पर मंथ प्रॉफिट मिल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 1 साल बाद आपने कोई वहाँ पर बाइंग की है और 1 साल बाद आप उसको सेल करना चाह रहे हैं तो जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको उस 12% के ऊपर से 8% प्रॉफिट भी मिलेगा। तो राउंड अबाउट करके ये 20% का प्रॉफिट बन जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सके, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अब ज़ेम आर्क की जो NOC और लीगैलिटीज़ वगैरह है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज़ेम आर्क बहरिया टाउन में लोकेटेड है तो ये एक लीगल प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं ज़ेम आर्क के डेवलपर्स के बारे में। तो ज़ेम आर्क जो है वो ज़ेम बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है और ज़ेम बिल्डर्स काफ़ी नॉन डेवलपर्स हैं क्योंकि इनके ऑलरेडी भी और भी प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन में मौजूद हैं जैसे कि ज़ेम हाइट्स जो कि ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, लिबर्टी टावर, लेक विस्टा हाइट्स, ये तमाम इन लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं। और इनकी जो पेस है जिस पे ये लोग काम करके अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर देते हैं उसकी वजह से, जैसे कि पहले भी इन्होंने अपना प्रोजेक्ट विद इन टाइम बल्कि बिफोर टाइम डिलीवर कर दिया था और उसकी वजह से इनके जो CEO हैं ज़ीशान कुरैशी, जिनको मलिक रियाज की तरफ से लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी दिया गया था। और अब ज़ेम आर्क के प्राइस प्लान के बारे में बात करते हैं। इनकी बुकिंग 30% से स्टार्ट हो जाती है और इनके रेट्स चेंज होते रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो पर फ्लोर के हिसाब से, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, मिनिमम मैक्सिमम साइज़ के हिसाब से जो भी प्राइसेस हैं वो आप आगे स्क्रीन पर देख सकेंगे। अब बात करते हैं ज़ेम आर्क के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज़ेम बिल्डर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से की जाती है तो उसकी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है एंड इंशाल्लाह विद इन टाइम ये लोग अपना ये प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर देंगे। अब बात करते हैं ज़ेम आर्क में बुकिंग प्रोसीजर के बारे में। तो इनका बुकिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है और बुकिंग प्रोसीजर के लिए ऑल यू नीड इज़ 2 CNIC कॉपीज़ एंड 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स ऑफ द मेन एप्लीकेंट और उसके अलावा 2 CNIC पिक्चर्स और 2 पासपोर्ट साइज़ इमेजेस जो आपके नॉमिनी होंगे उनके। और अब इस वीडियो के एंड की तरफ आते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़ेम आर्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। और फॉर फर्दर क्वेश्चंस आप हमसे हमेशा अमानत.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के मज़ीद कंटेंट को देखने के लिए। और अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अमानत.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल। मशवरा अमानत है।